कोरोना काल में हर चीज पर संकट है, सफाई कर्मचारी भी बदहाल और परेशान हैं। इनकी मांगों को उठाते हुए कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, हल्ला बोला। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से बात की हमारे सहयोगी तरुण कालरा ने। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव करने की कोशिश की है, न्याय मार्च निकाला है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम उपाध्यक्ष इस समय हमारे साथ हैं। अनिल चौधरी, सबसे पहले बात करते हैं, अनिल जी, न्याय मार्च की मांगे क्या हैं? देखिए, ये न्याय मार्च हमने उन तमाम लोगों के समर्थन में आज किया था जो फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, दिल्ली सरकार के अस्थायी कर्मचारी हैं। उदाहरण के तौर पर MCD के वो कोरोना योद्धा जो अपनी जान जोखिम में डाल करके इस संक्रमण के दौरान गली गली सेवा करते रहे, अस्पतालों में जाकर सेवा करते रहे, इनके घरों में मौत हुई। केजरीवाल जी कहते हैं उनको हम नहीं देंगे, दिल्ली के कर्मचारियों को बांट दिया आपने। आप जब वोट मांगने जाते हो, जब तो चेहरा नहीं देखते हो कि ये दिल्ली MCD का कर्मचारी ये वोट देगा, तब तो ये नहीं देखते हो कि दिल्ली सरकार हमें पैसा देगी। और आप ही कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, अभिभावक हूँ। तो ऐसा अभिभावक है कि आज इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर के एक मिनट का समय, आम आदमी की दिक्कतों को लेकर के समय नहीं दे पाए? तो हमारी मांग, जिनकी शहादत हुई है उनको वो कोरोना योद्धा का सम्मान मिलना चाहिए, उसके तहत जो राशि है 1 करोड़ रुपए की इनको मिलनी चाहिए, इनको नौकरी देनी चाहिए, इनके जो रुके हुए भत्ते हैं इमरजेंसी भत्ता इनको देना चाहिए। हमने कहा है ये कर्मचारी कब से मांग कर रहे हैं, 15 साल से तो भाजपा है, 7 साल से ये हैं, आज तक इनका स्थायी होने का जो मांग है उसको नहीं माना जा रहा है। सैलरी समय पर नहीं देते हैं, इमरजेंसी भत्ता तो छोड़िए, इनको 1 करोड़ रुपये की राशि छोड़िए, आप पे बड़ी बड़ी अपने चेहरों चमकाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए मुद्दे हैं, पर माफ़ करिएगा इन गरीबों की तनख्वाह। दिल्ली के गांव-गांव जाते हैं, गली गली जाते हैं, हर दरवाजे से, अस्पतालों से गार्बेज उठाते हैं और इनको सैलरी ना मिले, ये कौन सा न्याय है? आज BBC चेकर 96 से कच्चे, कितने साल हो गए, जीवन में कहाँ जाएंगे? पक्का करना है तो आज उनको पक्का करिए। सिविल डिफेंस के लोग धरने पर बैठते हैं, नर्स धरने पर बैठती है, 12 कॉलेजों का अनुदान रोक देते हो आप अपनी राजनीति के कारण। वहाँ कर्मचारी है, माली है, लैब टेक्नीशियन है, प्रोफेसर्स हैं, एडहॉक वाले टीचर्स हैं, कौन देगा, कौन दिल्ली का मालिक है? ये तमाम बातें लेकर के आए थे, इसीलिए हमने न्याय मार्च दिया था। ये सरकारी कर्मचारी चाहे सरकार का हो या MCD का हो, उनकी मांगों को माने। ये आप जो बड़े बड़े प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वेट पे कीमत बढ़ा रहे हैं, दर बढ़ा रहे हैं, आप लोगों की जेब पे मुनाफा पूरी कर रहे हैं, इनको कब हक देंगे? आप पे दूसरी चीजों के लिए पैसा है कि इन गरीबों की तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है, ये प्रश्न भी है। मंशा क्या लग रही है इसके पीछे भेदभाव? मंशा तो बड़ी साफ है, केजरीवाल जी को आम आदमी तो है नहीं, वो आम आदमी के नाम पे सरकार पे आए थे, लेकिन जैसे आपने देखा हम तो कर्मचारी की मांग लेके आए थे, हम तो उन टीचर्स की मांग लेके आए थे जिनको 4 साल से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के कॉलेज में नौकरी नहीं मिली, हम तो उन कोरोना योद्धाओं की मांग लेके आए थे जिनको केजरीवाल जी ने कहा था मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा, जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं जिनकी कोरोना से डेथ हुई है उनको क्यों 1 करोड़ रुपए नहीं मिलना चाहिए? क्या वो दिल्ली के निवासी नहीं है? क्या केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लोग काम करते हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, निगम के कर्मचारियों के मुख्यमंत्री नहीं है? और विडंबना की बात है, जब उनके घर पे आए, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के अनिल चौधरी जी, सारे उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें आधा घंटा बाहर खड़ा करवाया लेकिन मिलने की जरूरत नहीं की हमसे। अरे हमसे 2 मिनट मिल लेते, हमको अपने काम के लिए आए थे या अपने लिए कुछ मांगने आए थे, लोगों के लिए मांगने आए थे ना, कम से कम हमें 2 मिनट मिलके हमसे बात तो कोई नहीं, खड़े खड़े ही बात कर लेते, थे तो कमरे में के अंदर ही। तो देखिए ये तो आम आदमी की सरकार है ही नहीं, 4 लेयर्स की सिक्योरिटी और कहते हैं आम आदमी, इतना बड़ा बंगला और कहते हैं आम आदमी, पहले आपको याद है कितना बंगला और गाड़ियाँ करते थे, तो ये तो दोहरी नीति करते हैं, तो यही है सच्चाई इनकी। तो कांग्रेस पार्टी, आप देख रहे हैं कि कई मुद्दों के ऊपर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और न्याय मार्च के जरिए दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई सड़कों पे लड़ी जा रही है। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।